ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਕੀ ਨੀ ਜੀ ਕੋ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋ ਜੱਟਾ Hey, what's up guys? मेरा नाम विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शुक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइस यार, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, मैंने आपको वहाँ पे एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाया जो कि मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, वो वीडियो है जबरदस्त दोस्त जो कि एक सॉन्ग है, उसके ऊपर यहाँ पे हमने एक छोटी सी रील को एडिट करके दिखाया है। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही दबा देना बेल आइकन, जिससे आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड गाइस, देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आप सभी लोगों से दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि आपको लिंक, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ वो दो एप्लीकेशन का नाम है टर्बो वीपीएन एंड कैपकट एप्लीकेशन। गाइस, यहाँ पे वीपीएन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो कैपकट एप्लीकेशन है वो इंडिया में पूरी तरीके से बैन है। तो आपको यहाँ पे टर्बो वीपीएन को डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, देन उसके बाद आपको कनेक्ट करके फिर उसके बाद आप कैपकट की एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। एंड यहाँ पे टर्बो वीपीएन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि टर्बो वीपीएन से मुझे नहीं लगता कोई इससे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। एंड यहाँ पे बहुत ही कम एड कई बार देखने को मिल जाती है, मतलब इक्का दुक्का बार आपको ऐड देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ओपन कर दी या आपने वीपीएन कनेक्ट करा तुरंत ही ऐड आ गई, फिर आप बंद करने जा रहे तुरंत ही ऐड आ गई, ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। तो आप यहाँ पे इस वाली एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं एज अ वीपीएन। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कैपकट का जो ऐप होगा उसका भी जो लिंक होगा आपके नीचे डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अपने आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप मेरे टैब की स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपने टैब की होम स्क्रीन पे इन दोनों एप्लीकेशन को ऐड कर रखा है। पहली है आपकी टर्बो वीपीएन एंड दूसरी है आपकी कैपकट एप्लीकेशन। तो गाइज, सिंपली आपको टर्बो एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है, जैसे यहाँ पे टैप टू कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो गाइज यहाँ पे आपको इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट हो चुकी है, यूनाइटेड स्टेट्स मियामी से ही कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे आप जा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्रोम ओपन कर लेते हैं। गाइज, मैं बेसिकली ब्रेव ब्राउजर यूज करता हूँ क्योंकि मुझे ब्रेव ब्राउजर काफी अच्छा लगता है, तो क्योंकि इसके अंदर ऐड वगैरह नहीं आती तो इसलिए मैं ब्रेव ब्राउजर यूज करता हूँ। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है कैपकट टेम्पलेट। कैपकट टेम्पलेट जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे एक साइट आएगी, capcuttemplates.com। गाइज, इस वाली साइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके इजीली इसको विजिट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं अपनी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे मैं हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है लोडिंग। गाइज, यहाँ पे आपको लोडिंग टाइप कर देना है एंड इसको सर्च कर देना है। अब सर्च करने के बाद ना आपके सामने जो सबसे पहले नंबर की जो रील आ रही है, यानी कि जो टेम्पलेट आ रही है पहले नंबर की, आपको गाइज उसी पे काम करना है। तो आपको यहाँ पे लोडिंग वाली इस वाली रील पे क्लिक कर देना है जिस पर मैंने क्लिक किया है। तो लोडिंग लैग ट्रांजिशन, तो गाइज ये बेसिकली ये कैपकट की टेम्पलेट है, आपको इसको डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद ही इसके अंदर जो मसाला है वो ऐड किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट, तो यहाँ पे आपको यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब इसके बाद आपकी जो कैपकट कैलकुलेशन है वो ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे वीपीएन इसलिए आपसे पहले कनेक्ट करवाया था क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा वीपीएन कनेक्ट करने का, क्योंकि ये डायरेक्ट से रिडायरेक्ट कर देता आपके एप्लीकेशन के अंदर यूज टेम्पलेट को जैसे आप क्लिक करेंगे तब, क्योंकि कैपकट एप्लीकेशन इंडिया में बैन है एंड कैपकट से बेहतरीन मुझे नहीं लगता कोई एंड्रॉइड एडिटर अभी तक बना है जितने ये फीचर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं बट मेरे को कैपकट बहुत तगड़ा लगता है, इसलिए मैं इसको पर्सनली खुद भी यूज करता हूँ वीपीएन वगैरह ऐड करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टेम्पलेट के अंदर रिडायरेक्ट हो चुके हैं कैपकट के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूज टेम्पलेट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यूज टेम्पलेट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी वीडियो ऐड कर देनी है जिस पे कि आप ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक वीडियो लगा देते हैं, तो वीडियो हमने लगा दी है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हमने प्रीव्यू कर देना है। हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ही वीडियो चूज करी है, एक ही वीडियो था हमने इसलिए चूज करी क्योंकि जो उस पर इफेक्ट लगता है ना वो काफी तगड़ा लगता है। तो आपको यहाँ पे एक सिंगल फोटो आप सेलेक्ट करना या फिर कोई भी एक सिंगल पर्टिकुलर वीडियो, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना एंड एक ही वीडियो को आपको यहाँ पे सारी की सारी जो आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं नीचे, जहाँ पे कि आपको प्रीव्यू टू सी द इफेक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ आपने देखा कि मैंने सारी फोटोज को सेलेक्ट कर लिया जो कि आपके टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें सब बीच बीच के वो गायब हो जाती है, मैं आपको आगे दिखा दूँ कैसे। तो यहाँ पे जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th,
तो जो सेकंड है और जो फोर्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ है, तो ये बीच में सारी गायब हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी जो वीडियो है वो बन के तैयार हो जाएगी, मतलब प्रीव्यू में। अब इसके बाद देखो आपको करना क्या है, आपको आ जाना है साउंड्स के अंदर और फिर आपको ऐड करना है अपना साउंड म्यूजिक के वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपको साउंड पे क्लिक करना है। एंड साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक रिप्लेस का आइकन नजर आ रहा होगा। रिप्लेस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ स्क्रोल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक साउंड मिलेगा जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वाली वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जबरदस्त दोस्त, ये एक छोटा सा साउंड की क्लिप होगी, आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वही सेम वीडियो को आपको उठा के यहाँ पे पुट डाउन कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली एक काम करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट पे जाते हैं। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हम उठाएंगे वो वाली वीडियो को। तो हम बेसिकली वीडियो को उठा लेते हैं। तो ये हमने वीडियो उठानी है, इम्पोर्ट साउंड ओनली, तो यहाँ पे हमने इम्पोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद जो हमारी वीडियो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो आपने गाइस जैसे कि ट्यूटोरियल देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी वीडियो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने साउंड इसलिए कम कर दिया है क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो में कोई भी कॉपीराइट इशू आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल साउंड कम कर दिया है। एंड अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे ऊपर एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएंगे और उसके पहले 2K और 4K का भी ऑप्शन है, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपनी वीडियो की क्वालिटी को सेट कर सकते हैं, यानी कि आप किस क्वालिटी के अंदर अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप 480 पिक्सल में करना चाहते हैं या फिर आप 720 पिक्सल में करना चाहते हैं या फिर आप 1080 पिक्सल में करना चाहते हैं 2K या 4K, वो आपको पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए 4K मैटर नहीं करता, कई लोगों के लिए 4K बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप इस प्रायोरिटी को अपने बेस रख के आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है। तो गाइस अब जैसे कि आप मेरे टैब की स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी किसी भी वीडियो पे ये जबरदस्त दोस्त वाली जो रील की एडिटिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे टेम्पलेट चूज करनी है, टेम्पलेट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। बट अगर आपका इसके बाद फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वीडियो के अंदर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस इस वीडियो कर देना लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ऐसी आगे और भी इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।